कल कल पक्का सर नहीं सर। चलिए भाई देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है इनकी दिल्ली पुलिस की। ठीक है तो सबसे पहले मैदान में कौन आएगा? हाँ ये आएगा। क्या नाम है तेरा? अरमान। इसको बोल भाई इसमें बता क्या नाम है। अरमान चौधरी। ला तेरी नोटबुक दे इधर। तेरी नोटबुक में से ही पूछ लेते हैं कि कैसा पढ़ा है। अभी यहीं से शुरू किया वहीं से है ना? हैं? अभी शुरू किया था वही है ना 4 दिन पहले? देखते देख कितना याद है तेरे को। पूछ ले कहाँ से अरमान चौधरी? जयपुर से। मतलब राजस्थान की राजधानी से तो सही बताएगा। आवाज नहीं भाई। प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? अरे तू बंद कर ले। मौर्य। सही आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। बिल्कुल सही। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। ये भी सही है। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। ये भी सही है। ये तो जूत नहीं खाएगा भाई, इससे कैसे हो गई बात। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई इसके लिए। खड़ा हो जाओ जगुराम। हाँ क्या नाम है? जगुराम गुज्जर। मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे चुप हो जाओ कहने का, नहीं तो हम जो 11 बजे से टेस्ट है ना उसको 12 बजे से भी कर देंगे। भले ज़्यादा दिल पे नहीं लेता हूँ मैं इन चीज़ों को। मेरा क्या 12 बजे तक बोल देंगे? मैं तो वैसे मेरे को नींद आती नहीं है। ठीक है शादीशुदा आदमी को वैसे नींद नहीं आती है। तुम्हारी हुई नहीं है, तुमको पता नहीं इस चीज़ के बारे में। यार तुम नहीं पढ़ोगे तो शायद पूछे। प्रभु जगुराम कहाँ से? राजस्थान से। यहाँ पड़ोस है भाई मेरे। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना? गांधार शैली। चित्र एवं वास्तुकला। स्तंभ। मौर्य कला। हाँ मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना तेरा ही लिखा हुआ है स्तंभ। पहला ही गलत। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है? 7, 15। हाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खा खेल से संबंधित है? खारवेल नरेश। हाँ खारवेल। हाँ 13। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी। हाथी गुम कहाँ लिखा हुआ है? गुम्फा। हाँ तो गुफा है वो। गुम्फा। गुम्फा क्या होता है? बैठ बोला गुम्फा। हाँ मुन्नी जी खड़े हो जाए। देखे प्रभु आ जाइए मैदान में। चलिए बताइए। अरे मुन्नी जी क्या लिख रखा आपने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यहां से पूछना पड़ेगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि वह सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आवाज भाई किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कौन सा अभिलेख था उसका? पृथक कलिंग शिलालेख। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय। हाँ राजकीय भूमि नहीं प्रभु। किसने पाटलिपुत्र को पोलिबोथा कहा था? मैं किसने? बिल्कुल सही। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था?
बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? सर याद था तो बता दो, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन है ही नहीं, लिखाए थे जब ऑप्शन लिखाए थे तुमको। अरे बहुत आसान है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नहीं तो ऐसे पड़ेगी, मुझे क्या पता ऑप्शन, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ खुद, मुझे पता था मैं आंसर ही बता देता। अरे मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, इससे रिलेटेड ही शब्द है, गुप्तचरों से रिलेटेड ही शब्द है। पुरुष कहा जाता था, कौन सा पुरुष? गुड पुरुष। हाँ गुड पुरुष। रेखा जी, रेखा जी बताइए आप, वह मानतम कुषाण नेता कौन सा था जो बौद्ध बन गया? बौद्ध बन कौन सा कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया? यह भी काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। कनिष्क, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया? ये लिखा हुआ, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया? अरे भारत किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। दूसरा गलत। कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सही आंसर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कैसे? जो चरक थे ना, चरक वो किसके राज चिकित्सक थे? प्रभु हरियाणा वालों को वैसे दिमाग मोटा होता है। नहीं सर, क्या हिसाब तो करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं तो नहीं, नहीं कैसे, याद क्यों नहीं किया भाई? तो आज रिपीट नहीं किया तो कल कर लेंगे सर। नहीं आज का तो ले लो, तो कल कौन मारेगा भाई? नहीं सर, नहीं कल अगर कोई मारे तो मेरे उठा देना तू। कल पक्का सर। नहीं हाँ सरोज पूछ रहा हूँ बेटा, ये एक तो नाराज हो जाती है ए लड़कियों में, तो क्या नाराज हो जाती है, वो घूर रही है। मुन्नी को पूछ लिया, मुझे नहीं पूछा इसको, रेखा को पहले कैसे पूछ लिया, मुझे पूछते नहीं सर। ले खड़े हो जाओ बेटा, आजा। लड़कियों में क्या ये थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ ओके भाई, लड़कों का कुछ नहीं है, मुझे नहीं पूछा तो ठीक है जी, अच्छी बात है। इनकी क्या बराबरी हो जाती है, मुझे तो पूछा नहीं। हाँ कृष्णा तुझे पूछेंगे बेटा, सुमन तुझे पहले पूछेंगे बेटा। ए आवाज नहीं। हाँ तो आप बताइए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है बेटा? चंद्रगुप्त, भानुगुप्त, बौद्ध धर्म या चंद्रगुप्त द्वितीय? चंद्रगुप्त। अरे भानुगुप्त, बौद्ध धर्म तो मैं से बोल दिया, भानुगुप्त से संबंधित है। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? कनिष्क। अरे चंद्रगुप्त के काल में आया था, कनिष्क के। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? ये नहीं आया ना, मैं ऐसे पटक पटक के मारूंगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? हाँ तो बताओ ना फिर। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की बात हो रही है, किस काल की? गुप्त काल की हो रही है। गुप्त काल में क्या कहते थे सोने की मुद्रा को? दिनार। ये तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ है, ये रह इतना लंबा है, इतनी लंबी टांग कर दी रह की, लेकिन याद नहीं। हाँ पूछ रहा बेटा सुमन, आ गया मैं आ गया। नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं एक तो।
अच्छा ये एक भी गलत नहीं बताएगी, क्योंकि इसने मेरे को बोला था कि सर आप मैं सोती रहूं चाहे जगूं उससे मतलब नहीं, आप क्वेश्चन पूछना ना मुझे। अब क्वेश्चन पूछ के तो देखो यू जवाब दे दूंगी यू। इधर आ जाओ भाई। अरे आ तो क्यों नहीं हंसेंगे? क्यों हंसेंगे? मैं हंस रहा हूं। बड़ी आती है इनको। हाँ अरे बड़ी कैसे आती है, छोटी आती है। बड़ी तो एबीसीडी है बेटा, हंसी तो छोटी बड़ी है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? स्वास्थ्य के लिए। अच्छा खुद अभी फूट फूट के हंस रही थी जब मैंने वो डायलॉग मारा था। किसी पे नहीं हंसा मैंने सच में। तो वो तुम पे थोड़ा ना, फिर वो मेरे पे हंस रहे हैं, तुम पे क्यों हंसेंगे भाई? ऑप्शन के साथ। ऑप्शन हमने तो पता ही नहीं कोई ऑप्शन हमने किसी को दिया? बेटा मैं तो ऑप्शन देता नहीं, मेरे खुद को लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं मिला, मेरे को एक ही ऑप्शन मिला खुद को लाइफ में, वो सिलेक्ट कर लिया हम। बताओ भी कौन सा ऑप्शन? आवाज नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई या किस काल में हुई? आवाज नहीं रे। ऑप्शन सर, ऑप्शन। मानोगे नहीं? सर ऑप्शन दे दो, सर ऑप्शन दे दो, सर ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दे देते हैं ना, लेकिन फिर ऑप्शन सब मांगने लग जाएंगे, इतना समय है नहीं हमारे पास। अरे फिर यार मारो थप्पड़। सर दे दीजिए ना ऑप्शन। मौर्य काल, गुप्त काल। मौर्य काल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत उन्नति करोगे, शाबाश। अरे गुप्त काल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि जिसको आएगा वो बिना ऑप्शन के भी बता देगा। नहीं मेरे को पता। हाँ तेरे को पता था, लेकिन वो तो उस समय सो गई थी ना? नहीं सर। हाँ ये उस समय पढ़ रही थी ना, उस समय उसको जल्द से नींद आ गई थी 4-5 घंटे के लिए बस। तेरे पे सुमन के घर वाले ध्यान दे। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इससे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन सुबह की क्लास में सभी बच्चों को लिखाए गए, वीडियो में इससे पहले देखा होगा आपने, 2 बच्चों ने आंसर दिए थे, 3-4 बच्चों ने, उनने कैसे आंसर दिए और आपकी बच्ची किस प्रकार से आंसर दे रही है, ठीक है? आप चेक कर लीजिए किस हिसाब की पढ़ाई करिए, बाकी अगले संडे को जब भी इसको मोबाइल मिलेगा आप उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करें। अगर ये रक्षाबंधन की छुट्टी मांगे तो आज का रिजल्ट देखकर आप इसकी रक्षाबंधन की छुट्टी सेंक्शन कराना, अकेडमी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल छुट्टी नहीं है। आप जिन जिन बच्चों के पेरेंट्स कॉल करेंगे उन उन बच्चों को हम घर भेजेंगे। तो अगर इसके नंबर आज के पेपर में देख लेना और उसी हिसाब से आप आगे की कार्रवाई करिए। ओके जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो चुका है गलत, तो अगला क्वेश्चन है, ए आवाज नहीं, अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्मा विजय की? किस गुप्त शासक ने? और ये आपके हाथों से लिखा हुआ है इसलिए मैं आपकी नोटबुक से पूछ रहा हूं। ऑप्शन दे दो। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। ये भी गलत, समुद्रगुप्त। दूसरा क्वेश्चन लगातार गलत। अच्छा ये कब लिखे थे बेटे क्वेश्चन? आज कितने क्वेश्चन लिखाए थे आपके? तो नंबर लिखे हुए नहीं, कहां है नंबर? बाकी क्यों लिखा था सर? याद वाले क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ वो? अच्छा अच्छा उस समय सो गई थी, नींद आ गई थी उस समय, वो नींद की वजह से नहीं कर पाई थी। चलो चलो कोई बात नहीं, वो भाई वो नींद की, इसकी कोई गलती नहीं है। नींद मान लो किसी को भी आ जाए तो नींद में तो किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, इसको कैसे पता चलेगा उस समय चंद्रगुप्त कहां जीत गया, ये तो नींद में थी। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ए, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इसके ऑप्शन बेटा इसमें ऑप्शन है ही नहीं, सच्ची बताऊंगी। अच्छा ये बोलिए कंफर्म सही बताऊंगी। हाँ, देखना है और यही गलत बताएगी। जो कंफर्म बोलती है ना ये अक्षय कुमार वाली है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, तो ये भी डेफिनेटली गलत बताएगी।
किस सुन लेना, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कनिष्क, कटफिशस, गोविंदो फिशस, कार्ड वाले? कनिष्क ना, मैंने कहा था ये सही बताएगी। कटफिशस बेटा, ये रहा। अब पूछेंगे क्या, सारे गलत बता दिए बेटा, बोल रहे अब कुछ मत पूछो। अब पूछने में कुछ बचा ही नहीं मेरे बेटे, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जब सोते हो तब कि सोना नहीं है प्रभु, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। अब बोल रही ऐसे कैसे सोती हूँ? अरे नींद मुद्रा को सोना बोलते हो, तुम टांग उधर रखो चाहे टांग इधर रखो, समझ गए प्रभु? सोने का नतीजा देख लिया, जागने वालों से मिलूं? देखो जागने वाले से मिला, रमन कुमार मुखिया खड़ा जा, जागने वालों से मुलाकात कराते हैं। सुमन जी अभी आपको मौका देंगे रात को 12 बजे तक। एक बात और ध्यान रखिएगा, कल से आपको एक खुशखबरी और मिलेगी, जब शाम को क्वेश्चन पूछेंगे चाहे मैं रहूं चाहे फोज साहब, अगर उनके क्वेश्चनों को सेम वीडियो चालू रहेगा उस समय भी, जो बच्चा 5 में से 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया वो दोपहर में यहीं पे मिलेगा। समझ गए बात को? हाँ, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो समझ में आएगी नहीं, हमारे कोई दूसरे देश का शिल्पकार बुलाना पड़ेगा। हाँ ये तुम्हारे वीडियो की ला दो, ये तुम्हारा वीडियो है ना, पकड़ो माइक को। अरे सारी हस्तियां हैं, हाँ पकड़ ले। अब क्या नाम है? रमन कुमार। रमन कुमार मुखिया, श्री श्री 1008 श्री रमन कुमार मुखिया जी, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अच्छा ये क्वेश्चन वैसे बनता नहीं, पाटलिपुत्र तेरा आंसर सही, वैसे ये क्वेश्चन अभी नहीं बनता क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था पहले बता, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य थे। और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त के बेटा, सुमन सुनना बेटा आंसर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी या है? प्राकृत भाषा। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन देता हूं कौन सा सम्मिलित नहीं था इसमें, लेकिन ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। हाँ ऐसे में तो बहुत हो जाएगी, बहुत सारे क्षेत्र जो अशोक उसमें सम्मिलित नहीं थे, तो इस क्वेश्चन को मैं वापस लेता हूं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये चाणक्य ने, बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य काल में गुप्तरों को, अरे ये तो पूछ लिया था अभी, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? अभिलेख, शिलालेख। शिलालेख ओके मान लेते हैं। किसने पाटलिपुत्र, अच्छा ये पूछ लिया था, आगे चलते थोड़ा सा। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहण अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण वंश। कुषाण ने। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशा। बजाओ भाई ताली। अरे इसमें कई सोने वाले भी तो है, महेश करा दो बेटा। यार हरियाणा तेरे, यार हरियाणा तेरे। अच्छा यही से है क्या है? तेरे तूने कहाँ लिख रखे वो दे, तेरी नोटबुक चाहिए मुझे तो। ना बैग में तो लेके ना था, बैग में तो किसी और की में से पूछ लेंगे हम, इसकी तो खुद की इंग्लिश में है, इंग्लिश मुझे कम आती है, है? हिंदी में गए हाँ? ये तो नहीं, ये तो ठीक है। हाँ ऐसे तो ना टीचर बना है। हाँ भाई देख रहे हो, ऑप्शन दे देना सर। मैं ऑप्शन नहीं देंगे भाई, ट्रिक बना के याद करता हूँ सर। और ट्रिक मुझे नहीं पता, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन था? ऑप्शन दे दो सर, एक गलत हो जाए तो मार लेना। ओके स्तंभ, मा स्थान, प्रशासन और कोष।
मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन था? स्तंभ। स्तंभ नहीं रहे, स्तंभ। स्तंभ हरियाणा वालों को। ये अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? ऑप्शन नहीं मिलेंगे सर, वो तो उसमें क्वेश्चन में था। ऑप्शन से याद करता हूँ। ऑप्शन से याद नहीं करना, मान लो ऑप्शन चेंज कर देगा एग्जाम में तो? ऑप्शन सर वो आंसर तो आएगा ही ना। नहीं आएगा, खालिस्तान आ जाएगा, रिश्ता की पूर्ति करिए तो चार ऑप्शन। या कौन सा गलत है तो उसमें? अरे मान लो ये आएगा ही नहीं, गलत वाला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा इसका क्षेत्र नहीं था, तब अशोक का समकालीन तुर में कहां का राजा था? मिस्र का। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से बता दें। हम तो ऑप्शन नहीं देंगे, हमको तो याद चाहिए मुख जबानी। ठीक है सर, वो तो याद कर। किसने चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक। हाँ, कुषाणों के, कनिष्क के, सातवानों के या अश्वघोष के? कुषाणों के। गलत, कनिष्क ये उसकी है। अच्छा ये वही थे। नहीं मेरे पास है नोट, तू तो अपने आंसर बता सीधा, खड़ा हो जा। हाँ जगह कर देंगे, जगह करें, जगह कर जाइए। हाँ बता भाई, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन क्या? अभी अभी पूछा था उसको और उसने बताया था कनिष्क के। हाँ क्या अब क्या? हाँ जल्दी बता, इतना टाइम किसके पास है, गाड़ी निकल जाएगी। ठोक दे क्यों? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? सुबह लिखा था कला इस पत्ते, क्यों नहीं पढ़ा भाई? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ठोकेंगे नहीं, नींद खराब कर देंगे, रगड़ा देंगे अब गेम टाइम में, नाश्ते के टाइम में और दोपहर वाले खाने वाले बाद में टाइम में घिस देंगे एडियां, पाइल्स की शिकायत करेंगे, तुमको पाइल्स हो जाएगी बैठे बैठे, देखना फिर चेक कराते रहोगे वहां मेडिकल में मुर्गे बन के। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? कहां पर अजंता की गुफा है? अभी अभी बताया था, महाराष्ट्र में। और किससे है ये? गुप्त काल से। बीमारी याद बेटा, चलो मैं नोट ही कर रहा हूं। इंडक मिंडक करना पड़ेगा, उधर आना पड़ेगा, वो राधिका नाराज हो जाएगी, नहीं तो हमको तो पूछते रहिए सर। अरे ले बेटा ले, याद क्यों नहीं है बेटे? ए वाली सर किताब में से, किताब में से क्यों पूछ ले, एक ही बात है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछो, बहुत अच्छे अच्छे। फायान कहां का निवासी था? चीन का। बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग? गुप्त काल। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभी पूछा था तुमसे, पूछा था। अरे भानु प्रताप, भानु गुप्त, सॉरी भानु प्रताप नहीं, भानु प्रताप तो हमारा स्टूडेंट था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल। हाँ डरते डरते चार सही हो गए। हाँ आ जाइए विनोद मीणा जी, आ जाइए मैदान में, पकड़िए। तो क्यों नहीं पढ़ा उसी का? तो तुमने क्या सोचा कि सिर्फ लिखा रहे हैं? नहीं, ये झलकियां होगी तुम्हारे सामने, कल देखो तुमको झलके कराते हैं हम। कल फोसा बातें पूछना शुरू करेंगे, जो जो नहीं बता पाएंगे वो फिर दोपहर में नींद की उम्मीद मत करना। 10 मिनट मिलेंगे खाने के लिए, प्लेट लेके भगना सीधा, रोटी यहीं पे लेके आ जाना। कल से तो हम याद कर लेंगे सर। वो तो यही तो बात है तुम्हारे, जब तक लाठी पट्टी नहीं है ना। मैं पहले ही बोला था मैं किसी भी समय पूछूंगा, नहीं कल से क्यों करोगे? अभी भी रात को 12 बजे तक टेस्ट है तुम्हारा, तो 12 बजे तक आराम से पढ़ना करना यार। पढ़ते हैं कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं, अच्छा ये तो बनेगा नहीं क्वेश्चन।
कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हूणों ने सबसे ज्यादा किस पर आक्रमण किया था, यानी किस कौन सा राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन वो था गुप्त। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं बताएंगे, सीधा झूठ ये है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बता प्रभु, किसको माना जाता है भाई? कुमार गुप्त। अब बोल रहा है कुमार गुप्त, याद आ गया ऐसे ऑप्शन से तो। अच्छा, बैठो बाहर और याद करो ये क्वेश्चन। अभी जो टेस्ट होगा ना, उसमें इस क्वेश्चनों में से भी कुछ क्वेश्चन मैं अभी ऐड करवा दूंगा पेपर में, ठीक है? ऐसे तुम सुधरने वाले हो नहीं। आज ये क्वेश्चन अंदर तुमको तभी घुसाएंगे जब तुम हर एक बंदा 5 में से 4 क्वेश्चन बता देगा। ये जो 300 क्वेश्चन है 3 दिन में लिखा है, वो उनमें से आपको प्रत्येक 5 में से कितने क्वेश्चन बताने हैं? 4। नहीं तो अपनी महफिल सुबह तक चलेगी, ठीक है? और दरबार में तुम आज नाचने वाले होंगे, ठीक है? समझ गए? मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरा यही काम धंधा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, मेरे पास में बहुत सारा काम पड़ा है। अब तुम अपना देख लो, टेस्ट तो है, उसमें भी वो भी कॉपी तुरंत चेक होगी, उसके नंबर भी तुरंत चेक होंगे, सारे काम आज रात में होंगे। क्योंकि सही काम कब होते हैं? रात को। हाँ भी ले लेना ना अभी। अरे ऐसे थोड़ा ना, पानी पीने के लिए भी छुट्टी करूंगा। टेस्ट अभी रीजनिंग का होगा, ये क्वेश्चन पूछ के तो एंट्री कराएंगे अंदर। हाँ बाहर बिठा रहे ना अभी। तो पहले लड़कियां चलो बेटा बैठो बाहर।